हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा 5वीं एवं 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है, जो शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के लिए है, यानी गवर्नमेंट एवं प्राइवेट विद्यालय सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। और जो प्रश्न का पैटर्न था जो पिछली बार, वो अब इस बार चेंज हो गया है, उसमें परिवर्तन हो गया है। साथ ही प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा, ब्लूप्रिंट के आधार पर किस इकाई से कितने अंक के आना है, तो टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। अंक विभाजन, प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर और उसका कौशल, किस प्रकार से प्रश्न पत्र आधारित रहेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पत्र जारी किया गया है उसमें संपूर्ण जानकारी दी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यह राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया पत्र है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आप विषय को देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि कक्षा 5वीं 8वीं अर्धवार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2023-24 हेतु दिशा निर्देश, यानी इस पत्र में संपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं परीक्षा से संबंधित। अब इसी पत्र में आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अकादमिक सत्र 2023-24 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन में यह प्रयास किया गया है कि बच्चे रटंत अधिगम के स्थान पर सीखे गए ज्ञान का प्रयोग वास्तविक जीवन की दशाओं में कर सके। अतएव ज्ञान के बजाय समझ, अनुप्रयोग तथा उच्च तार्किक क्षमताओं के आकलन किए जाने पर जोर दिया गया है। तदनुसार समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइसकोड प्राप्त मदरसों में कक्षा 5वीं 8वीं हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश निम्नानुसार रहेंगे। नंबर एक पे आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन आयोजन की तिथि, अवधि एवं पाठ्यक्रम समय, यानी फ्रेंड्स इसमें जो अर्धवार्षिक परीक्षा की टाइम टेबल भी जारी किया गया है और पाठ्यक्रम की समय सीमा और अवधि बताई गई है। पहले नंबर पर आप देखेंगे तो 1.1 में शासकीय शालाओं हेतु निर्देश दिया गया है। 1.1 समस्त शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं की कक्षा 5वीं 8वीं हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 9 से 16 अक्टूबर 2023 की अवधि में किया जाएगा। कक्षावार एवं विषयवार समय सारणी परिशिष्ट एक पर संलग्न है, यानी फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट विद्यालय है वहाँ पर जो परीक्षा का आयोजन होना है वो 9 से 16 अक्टूबर में होना है और इसमें परिशिष्ट क्रमांक एक इसमें संलग्न है जिस पर हम बात करने वाले हो, उसमें टाइम टेबल यानी समय सारणी दी गई है। इसी में 1.2 को आप देखेंगे तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन 30 सितंबर 2023 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा, यानी फ्रेंड्स 30 सितंबर तक जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, जो निर्देशानुसार पाठ्यक्रम पूर्ण करना था वहाँ तक का जो पाठ्यक्रम पूर्ण हो गया है, यानी 30 सितंबर की स्थिति में जो पाठ्यक्रम होगा उसके आधार पर अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। फ्रेंड्स इसी क्रम में अशासकीय शालाओं हेतु निर्देश है 1.3 में प्रशासकीय अनुमोदन के उपरांत अकादमिक सत्र 2022-23 में कक्षा 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा में शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइसकोड प्राप्त मदरसों को सम्मिलित किया गया, यानी पिछली बार से फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार 5वीं 8वीं की परीक्षाएँ बोर्ड के तर्ज पर हुई थी। इसी में अगला जो पॉइंट है तो आप देख सकते हैं कि एक रूपता की दृष्टि से इन शालाओं में भी कक्षा 5वीं 8वीं हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन 9 से 16 अक्टूबर 2023 की अवधि में किया जाए। विद्यार्थी के मूल्यांकन हेतु कक्षावार एवं विषयवार समय सारणी परिशिष्ट क्रमांक एक पर संलग्न है, यानी फ्रेंड्स राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार गवर्नमेंट एवं प्राइवेट स्कूलों में जो एग्ज़ाम होना है वह 9 से 16 अक्टूबर 2023 की अवधि में होना है ताकि एक रूपता बनी रहे। इसी क्रम में फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं तो जो अगला बिंदु है 1.5, उसको आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि कक्षा 5वीं 8वीं के अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण 30 सितंबर 2023 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा, यानी फ्रेंड्स जो प्राइवेट स्कूल है उसमें भी 30 सितंबर की स्थिति में जो पढ़ाई गई सामग्री है, जो पाठ्यक्रम है, उसके आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु कक्षा 5वीं 8वीं के विषयवार प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्लू प्रिंट जो परिशिष्ट क्रमांक 2 में दिया गया है, हम उस पर भी बात करने वाले हैं। तो जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्लूप्रिंट के अनुसार शाला स्तर पर ही निर्मित किए जाएंगे, यानी फ्रेंड्स जो अशासकीय शाला है, प्राइवेट विद्यालय है, अनुदान प्राप्त शासकीय अनुदान प्राप्त शाला है एवं डाइसकोड प्राप्त मदरसे, उनको
जो प्रश्न पत्र का निर्माण स्वयं ही करना है और वो इसमें परिशिष्ट दो में जो दिए गए ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर करना है फ्रेंड्स। ब्लूप्रिंट की भी हम बात करने वाले हैं आगे। इसी क्रम में 1.6 आप देखेंगे तो प्रश्न पत्रों की एक एक प्रति BRCC कार्यालय में जमा करना है। यानी फ्रेंड्स इसमें आगे भी दिया गया है कि शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय यानी प्राइवेट अनुदान प्राप्त शालाएँ एवं डाइस्कोट प्राप्त मदरसे निर्धारित समय सारणी अनुसार परीक्षा आयोजित करने के उपरांत 20 अक्टूबर 2023 तक कक्षा 5वीं एवं 8वीं के विषयवार प्रश्न पत्रों की एक एक प्रति BRCC कार्यालय में जमा कराएंगे तथा पावती प्राप्त करेंगे। यानी फ्रेंड्स जो प्राइवेट विद्यालय का संचालन करते हैं या प्राइवेट विद्यालय है उनको प्रश्न पत्र तैयार करना है और 20 अक्टूबर तक एक एक प्रति प्रत्येक प्रश्न पत्र की BRCC कार्यालय में जमा करना है और उसकी पावती प्राप्त करना है। इसी क्रम में 1.7 आप देखेंगे तो BRCC यह सुनिश्चित कर ले कि उनके क्षेत्रांतर्गत आने वाली समस्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाएँ हम डाइस्कोट प्राप्त मदरसे की प्रत्येक शाला की कक्षा 5वीं 8वीं के विषयवार प्रश्न पत्र उनके कार्यालय में जमा हो जाए एवं उक्त शालाओं के प्रमुख द्वारा निम्न प्रारूप में प्रमाणीकरण भी BRCC में जमा किया जाए। यानी फ्रेंड्स प्रश्न पत्र जमा करने के साथ साथ में जो प्राइवेट शाला है उनको ये प्रश्न पत्र प्रमाणीकरण प्रारूप भी देना है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। प्रश्न पत्र प्रमाणीकरण प्रारूप इसमें लिखा हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि और रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें शाला का नाम और डाइस कोड आएगा। मैं दिनांक 9 से 16 अक्टूबर 2023 की अवधि में कक्षा 5वीं 8वीं में आयोजित अर्धवार्षिक मूल्यांकन में इन प्रश्न पत्रों का उपयोग किया गया है। यानी फ्रेंड्स जो प्रश्न पत्र इसमें संलग्न किए जाएंगे उसके बारे में इसमें प्रमाणीकरण देना है। इसी क्रम में 1.8 आप देखेंगे तो समस्त अशासकीय शालाओं से प्राप्त प्रश्न पत्रों को BRCC द्वारा संबंधित जिले की डाइट में जमा किया जाए एवं पावती प्राप्त की जाए। उक्त प्रश्न पत्रों को ब्लू प्रिंट में निर्धारित संरचना कौशल व कठिनाई स्तर हेतु निर्धारित अधिभार इत्यादि मापदंडों पर विश्लेषण प्रत्येक जिले की डाइट द्वारा किए जाने हेतु निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। यानी फ्रेंड्स हमको पहले ही जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ब्लूप्रिंट प्रदान किया उसी के अनुसार तैयार करना है क्योंकि बाद में उसकी डाइट स्तर पर विश्लेषण किया जाना है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो प्रश्न पत्र का स्वरूप यानी प्रश्न पत्र किस प्रकार का होना है इससे संबंधित इसमें जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें दिया गया है प्रश्न पत्र का स्वरूप 2.1 वर्तमान सत्र से समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 5वीं 8वीं हेतु प्रश्न पत्र का स्वरूप गत वर्ष की भांति प्रश्न पत्र से उत्तर पुस्तिका के रूप में नहीं होगा अपितु प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका पृथक पृथक रहेगी। उत्तर पुस्तिका राज्य शिक्षा केंद्र स्तर से प्रिंट कराकर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के संभागीय डिपो के माध्यम से जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी फ्रेंड्स अब यह स्पष्ट हो गया है कि पिछली बार जो प्रश्न पत्र का पैटर्न था अब वो चेंज हो चुका है। पिछली बार प्रश्न पत्र में ही उत्तर लिखना थे यानी प्रश्न पत्र से उत्तर पुस्तिका थी किंतु अब प्रश्न पत्र अलग होगा और उत्तर पुस्तिका अलग होगी और वो उत्तर पुस्तिका राज्य शिक्षा केंद्र स्तर से प्रिंट कराकर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से संभागीय डिपो के माध्यम से जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसी क्रम में 2.2 शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस्कोट प्राप्त मदरसों हेतु कक्षा 5वीं के एवं 8वीं के सभी विषय हेतु प्रश्नों का विवरण एवं अंक विभाजन की योजना समान होगी। यानी फ्रेंड्स गवर्नमेंट एवं प्राइवेट दोनों स्कूलों के लिए जो अंक विभाजन की योजना है वो समान होगी। दोनों का पैटर्न एक होगा इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 2.3 है इसके अंदर अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र प्रारूप का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है यानी प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा किस प्रकार से अंक विभाजन होगा किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे तो आप देख सकते हैं इसमें प्रश्न पत्रों का विवरण व अंक विभाजन आप देखेंगे तालिका में तो पहले बिंदु पे बहुविकल्पी ये 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार से बहुविकल्पी 5 प्रश्न 5 अंक के होंगे। रिक्त स्थान इसमें 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक रिक्त स्थान 1 अंक का होगा इस प्रकार 5 अंक होंगे। इसी प्रकार से अति लघु उत्तरीय 6 प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। अगले क्रम में लघु उत्तरीय प्रश्न हो 6 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। लास्ट में दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न हो 4 होंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। इस प्रकार से पेपर के अंदर कुल 26 प्रश्न होंगे
और जिनका पूर्णांक होगा 60 अंकों का। यानी फ्रेंड्स, पाँचवीं और आठवीं के लिए जो प्रश्न पत्र होने वाला है उसमें कुल 26 प्रश्न होंगे और जो अंक है, पूर्णांक है, वो 60 अंकों का होगा। अब हम प्रश्न पत्र के स्तर की बात करें तो 2.4 में आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर एवं कौशल। तो आप देख सकते हैं जो कौशल है यानी जो कठिनाई स्तर है, वो क्वेश्चन होंगे वो 30% ईजी होंगे और 50% एवरेज होंगे, जो आते रहते वही प्रश्न होंगे, और 30% सरल होंगे और 20% डिफ़िकल्ट होंगे, थोड़ी कठिनाई स्तर के होंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका दिया गया है एवरेज। और टिप को आप देखें तो इसमें लिखा होगा कि समस्त मान्यता प्राप्त शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं एवं अशासकीय साथ ही डाइस कोड प्राप्त मदरसों में कक्षा पाँचवीं आठवीं हेतु प्रश्न पत्रों का विवरण, अंक विभाजन एवं कठिनाई स्तर उपरोक्त सारणी के अनुसार ही रहेगा। यानी फ्रेंड्स, चाहे वो विद्यालय प्राइवेट हो या डाइस कोड प्राप्त मदरसा हो या गवर्नमेंट हो, उनका सबका जो अंक विभाजन है, कठिनाई स्तर है, प्रश्नों का विवरण है, वो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो दी गई उक्त सारणी है इसी के अनुसार होगा, उक्त ब्लू प्रिंट के अनुसार होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स बिंदु क्रमांक 3, जिसमें प्रश्न पत्र वो अन्य मूल्यांकन सामग्री के मुद्रण के संबंध में दिया गया है, जो आप देख सकते हैं वे शासकीय शालाओं के प्रश्न पत्रों के मुद्रण के संबंध में दिया गया है। शासकीय शालाओं हेतु प्रश्न पत्रों का मुद्रण वितरण शालावार विषयवार वास्तविक दर्ज संख्या के मान से जिला परियोजना समन्वयक द्वारा भंडारण क्रय नियमों का पालन करते हुए समय सीमा में कराए जाए। यानी फ्रेंड्स, जो शासकीय शाला है उनके लिए जो प्रश्न पत्र का निर्माण है वो जिला परियोजना समन्वयक द्वारा किए जाएंगे, और किस प्रकार से किए जाएंगे आप सारणी में देख सकते हो। इसमें सामग्री का विवरण दिया गया है और गणना के आधार पर यानी किस विद्यालय में कितनी संख्या, उस हिसाब से प्रति विद्यार्थी एक एक प्रति के मान से इसमें प्रश्न पत्र का दिया गया है। और साथ ही आप देख सकते हो इसमें शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र एवं परिशिष्ट 3 की जानकारी भी दी गई है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। फ्रेंड्स, इसी क्रम में आप देखेंगे तो नीचे नोट में दिया गया है कि जिनकी सॉफ्ट कॉपी राज्य स्तर से प्राप्त की गई है उनका मुद्रण कराया जाएगा। यानी फ्रेंड्स, राज्य स्तर से सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होगी और उनका मुद्रण कराया जाएगा जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से। और अगला जो बिंदु है, उपरोक्त तालिका में अंकित विषयों के अलावा यदि अन्य किसी विषय का अध्यापन किसी संस्था में कराया जाता है तो उसके प्रश्न पत्र शाला स्तर से निर्मित कर मूल्यांकन कराया जाए। यानी फ्रेंड्स, इसके अलावा भी अन्य कोई विषय है तो उसका प्रश्न पत्र शाला स्तर पर ही निर्माण करना है, चाहे वो गवर्नमेंट संस्था हो। इसी क्रम में बिंदु नंबर 4 की हम बात करें तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि किस स्तर पर किस प्रकार से उपलब्धता होगी। तो 4.1, राज्य स्तर से जिले को मुद्रण हेतु प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी की उपलब्धता। समस्त शासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के समस्त विषयों के प्रश्न पत्रों की सॉफ्ट कॉपी यानी जो PDF है वह PDF फाइल में 20 सितंबर 2023 को उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जिला परियोजना समन्वयक समस्त शासकीय शालाओं हेतु समय सीमा में मुद्रण की कार्रवाई सुनिश्चित करें। यानी फ्रेंड्स, जिला परियोजना समन्वयक महोदय को 20 सितंबर 2023 को PDF फाइल के रूप में सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध हो जाएगी और उनके द्वारा शासकीय शालाओं को समय पर मुद्रण कर वितरित किए जाएंगे। 4.2 आप देखेंगे तो जिला स्तर से मुद्रित प्रश्न पत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का शालाओं को वितरण। जिले स्तर से शासकीय शालाओं में विद्यार्थियों की वास्तविक दर्ज संख्या के मान से मुद्रित प्रश्न पत्र के कक्षावार विषयवार पैकेट व अन्य सामग्री BRCCM जन शिक्षक के माध्यम से शालाओं को 7 अक्टूबर 2023 से पूर्व अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जाए। यानी फ्रेंड्स, जो पेपर स्टार्ट होना है उसके 2 दिन पूर्व तक यानी 7 अक्टूबर तक उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। शालाओं तक समस्त सामग्री सुरक्षित रूप से गोपनीयता के साथ साथ समय सीमा में पहुंचने का दायित्व जिला परियोजना समन्वयक व BRCC का रहेगा। इसी क्रम में बिंदु क्रमांक 5 देखें तो प्रश्न पत्रों की जाँच एवं शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना। प्रश्न पत्रों की जांच गत वर्ष की भांति शाला स्तर पर की जाए एवं शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 में जानकारी भरकर शाला स्तर पर संधारित की जाए। यानी फ्रेंड्स, जो पिछली बार प्राप्त हुए हैं हमको प्रपत्र 1, उसी के अनुसार प्रपत्र होगा और उसी प्रपत्र को हमको शाला स्तर पर तैयार कर जानकारी संधारित करना यानी सुरक्षित रखना है। अब बिंदु क्रमांक 6 की बात करें, जिसमें परीक्षा संचालन हेतु पोर्टल की व्यवस्था दी गई है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 6.1, कक्षा 5वीं एवं 8वीं हेतु
ऑनलाइन पोर्टल www.rsk.in की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं तथा डाइस कोड प्राप्त मदरसों में कक्षा 5वीं-8वीं वार्षिक परीक्षा संचालन की व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सत्र 2023-24 में शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं तथा डाइस कोड प्राप्त मदरसों के विद्यार्थियों का पंजीयन भी पोर्टल पर किया जाएगा। बच्चों के पंजीयन हेतु पोर्टल शीघ्र ही खोला जाएगा। यानी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो भी काम होगा वो आरएसके पोर्टल पर होगा, उस पर पंजीयन होना अत्यंत आवश्यक है और ये काम समय सीमा में करना है और बच्चों के पंजीयन हेतु पोर्टल शीघ्र खोला जाएगा। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के समस्त नोटिफिकेशन एवं स्टडी एंड गवर्नमेंट जॉब संबंधित समस्त नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तो 6.2 कक्षा 5वीं-8वीं के अर्धवार्षिक मूल्यांकन उपरांत उत्तर पुस्तिका की जांच समस्त शालाओं द्वारा 20/10/2023 यानी 20 अक्टूबर तक पूर्ण कर ली जाए। तत्पश्चात rsk.in पोर्टल पर छात्र छात्राओं वार विषयवार अर्धवार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि पूर्ण की जाएगी। वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का 20% अधिभार लिया जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं पिछली बार भी लिया गया था, यानी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगा उसका 20% अधिभार जोड़ा जाएगा। 20% अधिभार की गणना शाला द्वारा नहीं की जाएगी, यह गणना सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः हो जाएगी। यानी फ्रेंड्स, ये गणना स्वतः हो जाएगी पोर्टल जैसे ही खुलता है। हमें अर्धवार्षिक के अंक है वो पोर्टल पर आरएसके पोर्टल पर चढ़ाना है, एंट्री करना है। इसी क्रम में हम बिंदु क्रमांक 7 की हम बात करें तो जिसमें दिया गया है कि शासकीय शालाओं हेतु बजट प्रावधान, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, आप चाहे तो इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिंदु नंबर 7 में बजट का प्रावधान के संबंध में जानकारी दी गई है फ्रेंड्स। और बिंदु नंबर 10 की बात करें तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन के बारे में मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं एवं अनुदान प्राप्त शालाओं तथा डाइस कोड प्राप्त मदरसों को निर्देश उपलब्ध कराकर अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। यानी फ्रेंड्स, यह राज्य शिक्षा केंद्र से पत्र जारी हो गया है फ्रेंड्स, और इसके अंदर ब्लूप्रिंट एवं समय सारणी संलग्न है। अब हम ब्लूप्रिंट पर बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये परिशिष्ट क्रमांक 2 है और परिशिष्ट 1 में टाइम टेबल दिया गया है, उसकी भी हम बात कर लेंगे। तो इसको आप देख सकते हैं, अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र हेतु ब्लूप्रिंट 2023-24 यानी ब्लूप्रिंट है, इसके आधार पर हमको प्रश्न पत्र तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न का प्रकार दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न 5 प्रकार के दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से इसमें दिया गया है, पहले बहुविकल्पिक है, फिर रिक्त स्थान है, फिर उसके बाद में अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय और लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इस प्रकार से फ्रेंड्स 5 प्रकार का दिया गया है और पूर्णांक 60 अंकों का होगा। अब 1 से लेकर 5 तक जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, वैकल्पिक प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, आप देख सकते हो। और 6 से लेकर 10 तक होंगे वो रिक्त स्थान के लिए 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अब प्रश्न नंबर 11 की हम बात करें तो आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 11 से लेकर 16 तक यानी कुल 6 प्रश्न हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यह प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी जो प्रश्न नंबर 11 से 16 तक जो प्रश्न है यानी अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो 6 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 17 से लेकर प्रश्न नंबर 22 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। और लास्ट में 23 से 26 तक फ्रेंड्स 4 प्रश्न हैं जो दीर्घ उत्तरी होंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट दी गई है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी प्रश्न पत्र का पूर्णांक 60 अंकों का होगा और कुल प्रश्न 26 होंगे। इसी क्रम में नीचे प्रश्न पत्र की संरचना एवं स्वरूप दिया गया है फ्रेंड्स। अकादमिक सत्र 2023-24 हेतु अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र का प्रारूप निम्नानुसार रहेगा, यानी प्रश्न पत्र में अंक विभाजन व्यवस्था क्या होगी, तो आप देख सकते हो बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, रिक्त स्थान के लिए 5 प्रश्न होंगे और अति लघु उत्तरी 6 प्रश्न होंगे और लघु उत्तरी 6 प्रश्न होंगे और दीर्घ उत्तरी 4 प्रश्न होंगे जिनके अंक आप सामने देख सकते हो। इस प्रकार टोटल 26 प्रश्न होंगे और पूर्णांक 60 अंक के होंगे, आप ब्लूप्रिंट में देख सकते हो। और जो कौशल व कठिनाई स्तर है जिसके हम पहले भी बात कर चुके हैं और अभी भी आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पे, इजी जो रहेंगे, सरल जो रहेंगे वो 30% रहेंगे और एवरेज
जो आते रहते हैं यानी मीडियम लेवल के जो रहेंगे वो 50% रहेंगे, और डिफिकल्ट थोड़ा सा कठिनाई स्तर के 20% रहेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आप ब्लूप्रिंट देख सकते हैं। अब हम परिशिष्ट क्रमांक एक यानी जो टाइम टेबल है, समय सारणी है, उसकी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये अर्धवार्षिक परीक्षा टाइम टेबल है जो परिशिष्ट एक के रूप में दिया गया है। इसमें कक्षा 4 से लेकर 8वीं तक के समस्त विषय की परीक्षा की जानकारी दी गई है यानी टाइम टेबल है। और कक्षा 5वीं के टाइम टेबल की हम बात करें तो 9/10/2023 को पहला पेपर है जो प्रथम भाषा का है, हिंदी आबलिक अंग्रेजी आबलिक उर्दू आबलिक मराठी, यानी जिनकी जो प्रथम भाषा होगा उनका उस विषय का प्रश्न पत्र होगा। द्वितीय प्रश्न 10 तारीख को होगा, तृतीय प्रश्न पत्र 11 तारीख को, चतुर्थ प्रश्न पत्र है 12 तारीख को। यदि अतिरिक्त भाषा होगी तो वो 5वां प्रश्न पत्र के रूप में 13/10/2023 को संपन्न होगी। इसी प्रकार कक्षा 8वीं की हम बात करें तो प्रथम प्रश्न पत्र है वह 9/10/2023 को प्रथम भाषा का होगा, हिंदी अंग्रेजी उर्दू मराठी, यानी जिन छात्रों का जो प्रथम भाषा है उस विषय का पेपर होगा। दूसरा जो पेपर है वो 10/10/2023 को होगा, गणित आबलिक संगीत, संगीत दृष्टिबाधित हेतु। और तीसरा पेपर 11 अक्टूबर को होगा, चौथा पेपर 12 अक्टूबर को, और 5वां प्रश्न पत्र है वो 13 अक्टूबर 2023 को होगा, और लास्ट और छठा प्रश्न पत्र 16 अक्टूबर 2023 को होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स कक्षा 8वीं की परीक्षा 9 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होकर 16 अक्टूबर 2023 तक संपन्न होगी। फ्रेंड्स इसी प्रकार के नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त करने के लिए एवं गवर्नमेंट एवं स्टडी और मोटिवेशन संबंधित समस्त वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।